पेरेंट्स जहां अपने लव और केयर से बच्चों को नॉरिश करते हैं, वहीं अपने एंगर और स्टिकनेस से वो अपने बच्चों को इविल थिंग्स से भी प्रोटेक्ट करते हैं। पर ग्रीक माइथोलॉजी की कैटेगरी में आज हम जिस पेयर ऑफ पेरेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, वो दिखने में ही इतने ज्यादा डेंजरस थे कि कोई उनके बच्चों का तो क्या उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, जिनका नाम था इकिडना और टाइफून। तो चलिए बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। इकिडना और टाइफून को पूरी ग्रीक माइथोलॉजी में एज द पेरेंट्स ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स की तरह देखा जाता था। जहां इकिडना मदर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स के टाइटल को होल्ड करती थी, वहीं टाइफून फादर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स के टाइटल को होल्ड करता है। ग्रीक माइथोलॉजी में इन्हें द मोस्ट टेरिबल मॉन्स्टर्स और विकेट क्रिएचर की कैटेगरी में रखा जाता था, जिनका फियर पूरी माइथोलॉजी में एक ड्रेडफुल एक्सपीरियंस की तरह था। इन्हें और डिटेल्स में जानने के लिए चलिए इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं टाइफून की। टाइफोन, टाइफस और टाइफी, ये सभी नाम द फादर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स टाइफून को दिए जाते थे, जो एक गॉड होने के साथ साथ एक मॉन्स्टर भी था। इसके फियर का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि इसे ग्रीक लेजेंड्स में द मोस्ट पावरफुल और फियरसम गॉड की तरह माना जाता है। टाइफून की अपीयरेंस के बारे में कहा जाता था कि ये स्काई जितना टॉल टॉर्सो ऑफ मैन और लेग्स ऑफ वाइपर्स का बना था। इसके सिर पर 100 स्नेक हेड्स थे, आईज ग्लोइंग रेड थी और ये मुंह से फायर उगलता था। टाइफून को डार्क नीथर रियल्म से आने वाले डेविस्टेटिंग स्टॉर्म्स का सोर्स माना जाता था, जिसे बाद में पोइट्स ने ज्यूस और टाइफून के बीच की बैटल के बाद वॉल्केनो जायंट का नाम दिया, क्योंकि ज्यूस ने इस टेरिबल मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए आइलैंड ऑफ सिसली के माउंट एटना के नीचे ट्रैप कर दिया था, जो वॉल्केनो के लावा को बाहर निकाल कर अपने गुस्से को जाहिर करता है। टाइफून के लेग्स और हैंड्स 200 से भी ज्यादा सर्पेंटाइन से घिरे हुए थे, जिस कारण इस डेडलियस क्रिएचर को मॉन्स्ट्रस सर्पेंटाइन का टाइटल भी दिया गया। जहां डिवाइन मदर गाया और टार्टरस को टाइफून का पेरेंट्स माना गया, वहीं इकिडना को उसकी मेट यानी वाइफ माना गया। इकिडना यानी वाइफ ऑफ टाइफून और मदर ऑफ ऑल मॉन्स्टर्स टाइफून की तरह ही ड्रेडफुल और डेंजरस थी, जिसे एक बार कोई देख लेता था तो डर से पागल हो जाता था। ये फीमेल मॉन्स्टर हाफ निम्फ थी, जो ग्लांसिंग आईज, फेयर चिक्स, हाफ ह्यूमन हाफ स्नेक बॉडी, स्पेकल स्किन और ग्लोइंग आईज के साथ अपीयर होती थी, जिसे मोस्टली केव्स डार्क हिडन प्लेसेस में ही देखा जाता था। ये अपने शिकार को कॉइल करके जिंदा ही निकल जाती थी, इसलिए इसे द रॉटिंग वन के नाम से भी जाना जाता था। जबकि लेजेंड्स इसे स्वैम्पी पेट टार्टेरियन लैम्प्रे का नाम भी देते थे। सीटो और फोर्सिस को इकिडना का पेरेंट्स माना जाता था, जिसके बारे में ये भी कहा जाता था कि ये अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्मॉल केव्स में ही स्पेंड करती थी, जो सिर्फ अपना शिकार करने के लिए केव से कभी कभी बाहर आती थी। ग्रीक माइथोलॉजी में इकिडना का कोई खास रिकॉर्ड नहीं मिलता, ये मोस्टली साइड किक यानी बैकग्राउंड कैरेक्टर की तरह नजर आती थी, जिसे टाइफून के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप के कारण ज्यादा पहचान मिली। इकिडना और टाइफून की तरह उनके बच्चे भी बहुत फेमस थे, जैसे कि नीमियन लायन, काइमेरा, ग्रीक स्फिंक्स, सेरिब्रस, कॉल्शियन ड्रैगन, एरिमेंथियन बोर, सेला एक्सेट्रा। अपने पेरेंट्स की ही तरह इन चिल्ड्रन ने भी ग्रीक माइथोलॉजी के अलग अलग लेजेंड में अलग अलग पहचान बनाई, जिसमें नीमियन लायन, सेला और काइमेरा को तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आप चाहे तो ग्रीक माइथोलॉजी की प्लेलिस्ट से इन क्रिएचर्स को अपने आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे द टेरिबल पेरेंट्स ऑफ मॉन्स्टर्स ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी। आपको इन दोनों का रोल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।